ये कहना गलत नहीं होगा। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसने मिट्टी को सोना बना दिया है। आज पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब एक अमीर और तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है। पर जैसे कि हर किताब के पन्नों में कुछ रहस्य छुपे होते हैं, उसी तरह सऊदी अरब के कुछ रहस्य और हैरान करने वाले तथ्य हैं, जिनके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज तक आपने सुना और देखा होगा आदमी और महिलाओं की सुंदरता प्रतियोगिता। मजे की बात है कि सऊदी एक कदम आगे है। यहाँ आपको ऊंटों की शानदार प्रतियोगिताएं देखने को मिलेंगी। जी हाँ, आपने सही सुना, सऊदी अरब में ऊंटों के लिए सुंदरता प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें ऊंटों की शारीरिक विशेषताओं को जज किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में ऊंटों की होंठ, गर्दन और कूबड़ की बनावट को ध्यान में रखा जाता है। विजेता ऊंटों को बड़ी राशि के पुरस्कार दिए जाते हैं। ये प्रतियोगिताएं स्थानीय और सांस्कृतिक आयोजन हैं, जिनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के अल नफुद रेगिस्तान में आपको मिलेंगे गाते हुए रेत के टीले। ये रेत के टीले हवा चलने या छूने पर एक अद्वितीय संगीत जैसा स्वर उत्पन्न करते हैं, जो कि बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत है। वैज्ञानिक पिछले काफी सालों से इस ध्वनि के पीछे का कारण समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह अभी भी एक बड़ा रहस्य बन गया है। आपने कभी सुना है अल हदीदा के रेगिस्तान की आंखों के बारे में? इस रेगिस्तान की बनावट देखकर तो दुनिया भर के वैज्ञानिक चकित हो गए हैं। कोई बोलता है कि यह प्राचीन काल में बना हुआ रेगिस्तान है, तो कोई बोलता है कि ये एक चमत्कारी रेगिस्तान है, पर सच तो आज तक कोई नहीं जान पाया है। जैसा ही सूरज ढलने लगता है, ये रेगिस्तान और रहस्यमयी होने लगता है। लोगों की माने तो इस रेगिस्तान को शाम के समय में देखने पर मानो ऐसा लगता है कि कोई उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा है। झील तो दोस्तों आपने बहुत देखी होगी, पर कभी रेगिस्तान के नीचे वाली झीलों को देखा है या कभी सुना है ऐसी झीलों के बारे में? सऊदी अरब के रेगिस्तान के नीचे विशाल झीलें हैं, जिनका पानी हजारों साल पुराना है। ये झीलें वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय हैं, लेकिन आम जनता में इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, जिससे ये झीलें रहस्यमय बनी रहती हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तो आप सभी जानते हैं, दुबई का बुर्ज खलीफा है। पर आपको क्या पता है, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा खूबसूरत झरना सऊदी के रियाद में है, किंग फार्ड्स फाउंटेन। ये झरना 32 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई इसको अलग नहीं बनाती है, पर यह आधुनिक इमारत के साथ इस तरह से मिल जाता है कि लगता है जैसे प्रकृति और तकनीक का अनोखा मेल हो। सऊदी में रहने वाले लोग इन अजूबों से पूरी तरह वाकिफ हैं, पर बाकी दुनिया में आज भी सऊदी को सिर्फ तेल के लिए ही जाना जाता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप सऊदी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।